जी भाई ठीक है जैसा आपको जैसे भी आपने कहा ना कि आपने ऐसे वीडियो बना है तो बोल दूँगी कि, कि सारी गलती मेरी है मुझे तो पता है मेरी गलती नहीं पैता है मैं बहता जानता सब सबको पता है मेरी गलती नहीं है लेकिन इससे अगर घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी सब ठीक हो जाएगा सब रिश्ते हो जाएंगे मेरे भाई मुझसे मिलेंगे सब ठीक हो जाएगा तो क्यों नहीं वैसे भाई आप मैंने कितनी बार सॉरी किया है एक बार फिर सॉरी बोल दूंगी बोल दूंगी कि सब गलती मेरी है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लेकिन भाई मैं सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ ठीक है क्योंकि आप मुझे जो भी कहते हो मुझे यकीन है कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रहे होगे और और लेकिन आप इस बात के गवाह हो कि मेरी गलती नहीं है खैर आप भी ऐसा हो चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं जब आप बोलोगे मैं वो वीडियो बना दूंगी आप मुझे बता दें अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे हैर से होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इससे क्या होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है हमें अच्छी वाइब्स आती हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्त पहुँच सकें तो चलें जी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होगी मेरी वीडियो का टॉपिक आज है जाहिद खान साजिद और रुबीना आपा क्या टॉपिक होगा क्या वीडियो का रीज़न होगा एक तो ये रीज़न है कि जाहिद खान जो है वो सितारा से पीछे क्यों हटा कि वो सबसे बड़ा जो है ना वो सपोर्टर था सितारा का दूसरा मेरा टॉपिक ये है कि साजिद है उसने जी खुलेआम ये कह दिया कि मैं सितारा से ये टैग हटने नहीं दूँगा सितारा जानिया है और यही टैग उस पर हमेशा के लिए बरकरार रहेगा ये टैग उससे नहीं हटेगा तीसरा टॉपिक है जी रूबीना आपा उन पे बात करेंगे तो चलें जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं जाहिद खान पर जो कि आप सबको पता है कि वो सितारा का बहुत बड़ा सपोर्टर था और उसने सितारा के लिए कचहरीों के चक्कर लगाए उसने कोर्ट के चक्कर लगाया क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ उसने उस पर केस हो गए और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये आ, जाहिद खान जो जा वो इन चीज़ों के पीछे भाग रहा था और सितारा जो वो मज़े से अपनी व्लॉगिंग कर रही थी और उसका जो शोहर उसको चाहिए था कि उसकी स्पोर्ट में वीडियोस बनाता लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी हम तो अपनी सिंपल व्लॉगिंग करेंगे हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे अच्छा जो काम साजिद को करना चाहिए था अपनी बीवी के हक में वीडियोज़ बनाना अगर उसकी बीवी ऐसी नहीं थी तो उसको चाहिए था कि अपनी बीवी के लिए वीडियोज़ बनाता लोगों को चुप करवाता लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया बस यही कहकर टाल दिया कि हम अपनी सिंपल व्लॉगिंग करेंगे वो अपने डॉलर के चक्कर में रहे और उनके जो सपोर्टर्स हैं खास तौर पर बड़ा सपोर्टर जो उनके जाहिद वो बेचारा जो है अब मैं बेचारा ही कहूँगी क्योंकि उसको भी अब इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि ये लोग जो है ना किस टाइप के लोग हैं इनको बस डॉलर से जो है ना वो लेना देना इनका और किसी इंसान से नहीं है अगर ये लोग वाकई ही गलत नहीं होते और इनको वाकई ही किसी दूसरे इंसान की हमदर्दी होती है अपने सपोर्टर से हमदर्दी होती तो ये लोग जब उन पर लोग बातें कर रहे थे केस कर रहे थे तो ये लोग उनकी स्पोर्ट में वीडियोस बनाते लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ये अपनी व्लॉगिंग पे ही लगे रहे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे कि चलो जी हमारे स्पोर्टर्स हैं ना हमारा हैशटैग यूज़ हो रहा है और हम लोग जो है ना वो वायरल हो रहे हैं हमें डॉलर मिल रहे हैं हमें व्यूज़ मिल रहे हैं तो इस चीज़ के पीछे ये भागते रहे अपने स्पोटर्स को इन्होंने बिल्कुल भी जो है ना तक नहीं लगाया और अब जो वही है इनके लिए इतना कुछ करता रहा अब वो इनके लिए जहर बन चुका है वो इस तरह से कि उसने नैना की फेवर में वीडियो बना दी और जब से उसने वो वीडियो बनाई है तब से लोग उसको और बहुत बुरा भला कह रहे हैं क्यों उसने नैना के फेवर में वीडियो क्यों बनाई है और जो तरह के, के बाकी सपोर्टर्स हैं मैं उनको सपोर्टर नहीं कहूँगी क्योंकि स्पोटर्स जो है ना वो ऐसे नहीं होते जो सपोर्टर्स होते हैं वो दिलो जान से जिसके लिए वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं उसकी उसका साथ देते हैं सपोर्टर्स ऐसा नहीं करते कि पीठ पी पीछे जा के लोगों के साथ बुराई करके फिर जब उनकी रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो फिर लोग कह देते हैं कि हम तो दाना फेंक रहे थे अगले से बात निकलवाने के लिए तो स्पोर्टर्स ऐसे नहीं होते जस्ट वो भी जैसे सितारा उनको यूज़ कर रही है ऐसे ही वो भी सितारा को यूज़ कर रहे हैं अच्छा जाहिद जो है वो इनसे क्यों पीछे हटा है वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि उसने बहुत पहले जो है ना नैना को आ, कन्वेंस किया था कि तुम जो है ना एक वीडियो बनाओ उसमें ये चीज़ कह दो कि नहीं नहीं जो भी था वो मैंने ऐसे ही आ, सितारा पर इल्ज़ाम लगाया था या मुझे गलत फहमी हुई थी उसने उसको कन्वेंस करने की कोशिश की और आ, नैना जो है वो आ, ठीक है मैं ऐसी वीडियो बना दूँगी लेकिन ये चीज़ जब उसने साजिद को बताई उसने साजिद को कॉल की उसने कहा कि नैना को मैंने मना लिया अब आप लोग नैना को घर में एंटर होने दो उसके उसको अपने वीडियो में लें और वो माफ़ी मांगेगी सबसे तो आप लोगों ने जो है न उसको वीडियो में लेना लेकिन साजिद ने तब क्या कह दिया कि नहीं नहीं अभी इस टॉपिक को चलने दे मतलब जो सितारा का जानिया वाला टॉपिक चल रहा था उसको चलने दे जब मेरी सास आने वाली है वो आ जाएंगी तब हम इस पे बात करेंगे उनसे मशवरा करके तो इधर से आप अंदाज़ा लगाएं कि साजिद जो है ना वो इस टॉपिक को क्लोज नहीं करना चाहता था वो पैसे कमाना चाहता था इस फ़ायदा उठाना चाहता था और जाहिद को ये सामने आई कि ये लोग जो ना खुद ही इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहते इनको मज़ा आ रहा है इस टॉपिक पे बात करके करवा के लोगों से और अब उसने जब देखा कि नैना जो है उसको तो मैंने मना लिया था फिर और उसने अपनी वीडियो में नैना का वॉइस मैसेज भी सुनाया और जिसमें नैना साफ़ तौर पर यह कह रही है कि जो बात मैंने कही थी मैं उसमें गलत नहीं हूं लेकिन फिर भी जाहिद भाई मैं आपके लिए उनसे सॉरी कर लूंगी आप इस चीज को नोट करें कि नैना ने जो बात कही है अगर माफ़ी मांग भी लेती लेकिन उसने ये चीज वॉइस मैसेज में कही है कि मैंने जो बात कही थी सितारा के लिए मैं उस पर गलत नहीं हूं मैंने बिल्कुल वो बात ठीक कही थी लेकिन फिर भी आपके कहने पे मैं माफ़ी मांग लेती हूँ लेकिन ये लोग जब भी इस टॉपिक इस साइड पे जाता है ना कि इसको क्लोज करने वाली साइड पे जाता है ये लोग फिर कोई ना कोई शरारत करते हैं और फिर वो बात जो है ना दोबारा से शुरू हो जाती है हकीकत तो ये है कि जो सितारा के सपोर्टर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि सितारा जो है ना वो गलत है उसने ऐसा कुछ किया है लेकिन अब वो जस्ट व्यूज़ के लिए और डॉलर्स के लिए जो है ना वो मजबूर हैं उसका साथ देने पर झूठ पे झूठ जो है ना वो बोलते जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि मरियम फाहद ने पिछले दिनों बहुत रो कर जो है ना बहुत रोई थी और उसने एक वीडियो बनाई थी लेकिन फिर भी आपने देखा कि सितारा यासी ने एक दफा भी वीडियो उसके लिए बनाई हो या फिर वीडियो के जरिए उसको दिलासा दिया हो कि आप ना रोएं या परेशान ना हो मैं आपके साथ हूं उनको भी पता है कि सितारा जो है ना वो उनकी सगी नहीं खैर बाकी सपोर्टर्स जैसे भी इसकी सपोर्ट कर रहे थे मतलब के लिए या जैसे भी जाहिद खान जो है ना इसकी दिल से सपोर्ट कर रहा था और तब साजिद जो है वो कभी गांव जा रहा था एनिवर्सरी मनाने कभी ये लोग दुबई जा रहे थे अपनी ब्लॉग में मस्त थे लेकिन जाहिरिद उसने इनकी फुल स्पोर्ट की चैनल पे बैठ के और बहुत धक्के खाए कचहरी के कोर्ट के बहुत केस वगैरह भी हुए तो उसने दिल से सपोर्ट की थी लेकिन इन्होंने उसको भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी हैर जी आगे आगे देखिए होता है क्या अब बात करेंगे रुबीना आपा की उनकी वीडियोस देखकर सच में बहुत दुख होता है उन पे उनके चेहरे पर एक जो मायूसी और उदासी होती है ना वो देखकर बहुत दिल दुखता है और नैना उनकी उन, उनको हंसाने की कोशिश करती है नैना के सामने तो वो बहुत खुश रहती हैं कहते हैं ना कि हंसते चेहरों के पीछे बहुत जो है ना वो दुखी कहानियाँ होती हैं इंसान बहुत दुखी है जो हँसता रहता है अब उनके साथ क्या हो रहा है कि अपनी हाला के लिए इनके दोनों बेटे जो हैं ना वो माँ की कुर्बानी देंगे क्योंकि सलमा ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में रुबीना को बुला रही हूँ जाहिर सी बात उधर जाएंगी वो उम्रा भी कर लेंगी साथ ही साथ वो सलमा के पास भी रह लेंगी क्योंकि सलमा को पता है कि इधर अब उसका कोई ठिकाना नहीं माँ बाप भी मुँह नहीं लगा रहे है। और औलाद वो तो पहले मार चुकी है और अब इनके बेटे जो हैं रुबीना के वो ये चाहते हैं कि रुबीना इधर रहे और सलमा के पास ना जाए क्योंकि इनकी हाला का हुक्म ये होगा कि सलमा का बेबी होने वाला है और उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए कि उसके पास कोई भी ना माँ को तो पहले ही मैंने बुला लिया अब रुबीना भी उधर ना जाए दूसरा रुबीना जो है उसको तो कोई ठिकाना मिल जाएगा रहने के लिए औलाद भी नहीं रखेगी वो उधर भी नहीं जाएगी तो इधर उधर वो भटकती रहेगी तब जाकर सितारा के दिल को सुकून मिलेगा खैर आज की मेरी वीडियो जो है वो यहीं तक थी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज